हेलो स्टूडेंट, दिस वन बुक ऑफ क्लास फिफ्थ मधुर हिंदी पाठ्य पुस्तक पार्ट थर्ड। स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर लेसन नंबर फर्स्ट। हम गढ़ते हैं अपनी तकदीर। सो लेट अस स्टार्ट। अपने नन्हे हाथों से हम गढ़ते हैं अपनी तकदीर, बंद हमारी मुट्ठी में है अपने जीवन की तस्वीर। तो इसमें, इस पंक्तियों में बच्चे क्या कहना चाहते हैं? बच्चे कहते हैं कि ये जो हमारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ हैं, इनसे हम अपनी भाग्य या किस्मत को बनाते हैं। ये जो हमारी मुट्ठी है, ये बंद है। इस बंद हमारी मुट्ठी में क्या है? हमारे जीवन की एक नई तस्वीर है कि हम अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी किस्मत को बना सकते हैं और अपने जीवन को एक नया रूप, एक नया तस्वीर दे सकते हैं। राष्ट्र नवीन बना सकते हैं, मानव नया बना सकते हैं। हम न रुकेंगे, सदा बढ़ेंगे, तोड़ बंधनों की जंजीरें। तो इसमें बच्चे क्या कहते हैं कि हम अपने इन छोटे छोटे हाथों से राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, नवीन मीन्स नया, कि हम इस देश को नया बना सकते हैं, आदमी को भी नया रूप दे सकते हैं। तो इसमें बच्चे कहते हैं कि हम अपने रास्ते में कभी भी रुकेंगे नहीं, सदा ही हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो हमारी जो जंजीरें हैं, हथकड़ियाँ हैं, इनको तोड़कर हम अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते चलेंगे। हमें न मोड़ो, हमें न तोड़ो, हमें न जंजीरों में जकड़ो, हम भी अनुभव करते हैं अपना सुख दुख अपनी पीढ़। तो इन पंक्तियों में बच्चे क्या कहते हैं कि हमें ना बदलो, हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहने दो, हमें भी इन जंजीरों में ना बांधो, हमें क्या करो, आज़ाद करो, क्योंकि हम भी अपने दुख सुख और दर्द को महसूस कर सकते हैं। अनुभव मीन्स होता है महसूस करना, पीर मीन्स होता है दर्द या दुख। तो इसमें वो बच्चे कहते हैं कि हमें किसी भी जंजीर में ना बांधो, क्योंकि हम भी अपने दुख सुख और दर्द को महसूस कर सकते हैं। हमें स्वतंत्र छोड़ो, हमें न रोको, हमें भी पता है अच्छा बुरा, हम भी जानते हैं अपना पराया, इसीलिए तो कहते हैं भारत है प्यारा। तो इसमें बच्चे कहते हैं कि हमें आज़ाद कर दो, हमें ना रोको, हम जैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे अपनी मंजिल पर जाना चाहते हैं, हमें जाने दो, हमें भी पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कौन अपना है, कौन हमसे अलग है, प्रायः मीन्स हमसे अलग है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें अलग ना करो, इसीलिए तो ये कहते हैं कि जो भारत है ये प्यारा है। तो इन दिस राइम व्हाट वी लर्न, कि किस तरह जो बच्चे हैं अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए अपने आज़ाद विचारों को बताते हैं कि हम भी अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।